तो देख सकते हैं गाइस ये मतलब टोटल नंबर्स पॉइंट देखिए एस प्लस एम वाई प्लस मतलब एस प्लस आर ये जंगली स्वाट जैसा। ओए थोड़ी देर रुकना रुक इसे याद दे देता हूँ गाइस कितनी औसम है वो लगता है यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं विलुप्त प्रजाति ये टूटना जाएगा ये डोडो वार्ड है गाइस। ओए भाई बरमोरा का सबसे बड़ा व्यू पॉइंट देख सकते प्यार का पंचनामा है यहाँ ऊपर जाते आओ आओ जल्दी। तो देख सकते हैं इसे अभी मैं अगर मतलब एक ग्लास पहना दूंगा सनग्लास अबे लगता क्यों नहीं लग जा अबे लग जा अबे लग अच्छा रहने दो लगता नहीं जैसे ठीक है बहुत प्यारा है ये देखे और देख सकते हैं यहाँ पर मैप भी बनाया था। तो चल अभी ऐसे चल तो गाइस देख सकते हैं अभी हम जाएंगे हवा महल के अंदर ये देख सकते जल्दी ये देख सकते ये देखिए हवा महल ये हवा महल है सीधा कर ये देख सकते बरमोरा इको पार्क का पूरा मैप है यार देख सकते ये देखिए आ जाओ आ जाओ। तो गाइस देख सकते हैं कुछ नहीं यहाँ पर मतलब यहाँ पर लॉक लगा हुआ है हवा महल पर तो हम अभी ऐसे जाते हैं तो यार लॉक लगा हुआ जाते हैं आ जाओ जल्दी आओ। यहाँ देखिए मतलब बहुत बड़ा एक एक्वेरियम सा दिख रहा है कुछ बट ये बंद है लगता है इधर आ इधर वो अंदर कुछ है अंदर कुछ है दिखा अंदर ग्लास से दिखा पहले कुछ तो है अंदर ऊपर से दिखा अब ऊपर से दिखा ऊपर से दिखा ये देख यहाँ पर देख सकते बैठने की जगह भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टूल बनाया है यहाँ पर देख सकते और पीछे का साइड है या ऊपर का दिखा ऊपर का पूरा व्यू दिखा कैसा दिखता है वाह बहुत सुंदर दिखता है देख सकते। तो गाइस ये हवा महल के मतलब बाहर ही मतलब पीछे के भागे और ये लोग जा रहे हैं तो मैं भी उतर जाता हूँ अकेले अकेले यानी रहूँगा। तो देख सकते ये लोग जा रहे हैं मतलब बहुत ही सुंदर बहुत ही औसम दिखता है आप लोगों को जैसे कि पता ही है गाइस बहुत ही सुंदर दिखता है। तो मैं अभी भी उतर रहा हूँ और उतर के बहुत सारे जगह पर जाना भी है अभी फ़िलहाल तो इससे पहले बाहर निकलते हुए बहुत बड़ा है गाइस वीडियो थोड़ा मतलब एडिट करके देना पड़ा है छोटा मोटा पार्ट ऐड करके क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है सीढ़ी जो सीढ़ी अगर आप चलेंगे तो आप लोग पता चलेगा। तो आ जाता तो अभी हम हवा महल से बाहर जैसे निकल गए ऊपर जैसे फूल देख सकते हैं और साइड में मतलब सिर्फ जंगल आपको मतलब बहुत जंगल दिखेंगे यहाँ पर क्योंकि ये इको पार्क कहा गया है त्रिपुरा का सबसे बड़ा व्यू पॉइंट और मतलब बहुत ही औसम है ये जगह मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग मतलब एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो मतलब 2 से 3 घंटे आप लोगों को लग ही जाएगा तो बहुत अच्छा जगह है देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं मैं आपको एक चीज़ दिखा ये आर्टिफिशियल नेस्ट है गाइस यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है पक्षियों के लिए मतलब ये टूरिस्टों के लिए ऐसा अट्रैक्ट करने के लिए दिखाने के लिए मुझे लगता है ऐसा। और नीचे झील देख सकते हैं बहुत और ने कुछ दिखाया क्या है बे वाह एक देखिए मतलब एक बेबून सा दिख रहा है हनुमान जी से सा है बट इसे तो मतलब दिखाने के लिए बनाया बट यहाँ पर टूरिस्ट आते तो फूल दे के जाते इन्हें पूजा जैसा करके जाते देख सकते नीचे तो मैं भी दूंगा और देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है भाई बहुत सुंदर है एग्रेसिव मंकी जानता हो ये प्रजाति चप्पल था तो ऐसे देना देख सकते आप लोग आए तो आप लोग भी ऐसे ही देना बहुत अच्छा लगे चल या दिखा स्लो लॉरिस है एक दिखा ये देख स्लो लॉरिस इस जानवर का नाम है तो देख सकते हैं साइड में मैं सिर्फ जंगल ही दिखेंगे आपको बहुत सुंदर सुंदर जंगल है और देख सकते इधर से चल अभी जाएंगे इधर से और यहाँ देख सकते ये देखिए यहाँ से देखिए मतलब बहुत सारे छोटे छोटे झील के ऊपर घर बनाया गया है तो अभी हम जाएंगे एक में यहाँ से चल बे
धीरे आ देख के, धीरे धीरे बहुत स्लिपी है, गिर गए तो ख़त्म। अबे डर भी लग रहा है, टूट ना जाए, आ जा पीछे। तो देख सकते हैं ये टूटेगा नहीं, लगता है मुझे नहीं लगता है टूटेगा। और यहाँ का वातावरण बहुत ही फ्रेश है। अभी ये कहाँ से लेके जा रहे हो? और देख सकते हैं घने जंगल। अबे कहाँ से लेके जा रहे हो बे? अबे कहाँ से लेके जा रहे हो? तो देख सकते हैं सिर्फ जंगल ही दिखाई देता है, कुछ तो दिखाई नहीं देता है। बट सामने दिखा दूंगा जाके, और झील भी है साइड में। और फिर से ये देख सकते, फिर से सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, गुस्सा आता है बार बार सीढ़ी चढ़। देख सकते तो फिर से देख सकते एक आर्टिफिशियल नेस्ट दिखा तो। अब ये देखे ऊपर देखे, मतलब दिखने में मतलब लगता है आर्टिफिशियल, बट एक मतलब रियल लगता है एकदम। देखिए बट बनाया आर्टिफिशियल तरीके से। और यहाँ पर देख सकते ये देखिए। अरे मेरे लिए तो रुको प्रीतम, रुको मेरे लिए। एक है प्रीतम, क्या है? वाह देख सकते एक बंदर दिखाई देता है। तो जैसे कि देख सकते अभी हम इसे फूल की ढाली तोड़ के दे देंगे। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करना, मैं कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, बताएंगे तो ऐसा मत करना। और गलत नहीं है कुछ, बहुत अच्छा ही लग रहा है दिखने में। और हम इसे निकाल फेंक भी देंगे, क्योंकि ऐसा हमें कोई परमिशन नहीं मिला, बट हम फिर भी कर रहे हैं वीडियो के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो कोई बात नहीं, अभी हम जा। तो गाइस फिर से देखे सीढ़ी, अभी हम दौड़ लगाएंगे, चलो जल्दी। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए, मतलब फिर से देखिए गाइस, ये देखिए झील, मतलब चारों तरफ ये सिर्फ झील ही है इसमें, मतलब पूरा सिर्फ झील। अबे जाओ। तो देख सकते हैं ये देखिए, इस दीवार पे मतलब बहुत सारी यहाँ पर ड्राइंग बनाया गया है, बहुत सुंदर दिख रहा है। कैसा लग रहा है बताइए? बहुत सुंदर दिख रहा है, मतलब बहुत ही औसम व्यू दे रहा है ये। यहाँ पर फोटो भी खींच सकते हैं आप लोग। अब चल, फेंक दो इसे, फेंक दो। ए रुक रुक, ए देखिए गाइस देखिए, बर्मुडा इकोपार्क का मतलब ये देखिए, एस प्लस एन वाई प्लस एस एस प्लस एन, मतलब ऐसे लाबर्स पॉइंट, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लगा। आजा। और यहाँ पर बैठ भी सकते हैं लवर्स, देख सकते हैं कुर्सी है यहाँ पर। और जंगल साइड में व्यू भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही टोटली लवर्स पॉइंट है कह सकते। चलो आओ आओ। और यहाँ पर देख सकते गाइस ये देखिए, मतलब डिजाइनिंग यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं चारों तरफ। और यहाँ पर देख सकते एक डिजाइनिंग बैम्बू प्लांट भी है यहाँ पर, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ओ देखो जल्दी आ, जल्दी आ, क्या दिखा मुझे, जल्दी आ। और देख सकते गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल ब्यार है, यानी कि भालू। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर एक मतलब पानी का टैप जैसा कुछ है, और अंडर लोटस भी है, तो कुछ भी समझ सकते हैं आप इसे पानी का। तो और ये देखिए यहाँ पर भी मतलब बैठने के लिए दो यहाँ पर सीटें दिया गया, बनाया गया काठ से, प्योर काठ से, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं देखिए बहुत सुंदर सुंदर पेड़ प्लांट है यहाँ पर, मतलब सब है यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर देख सकते देखिए नींबू का मुझे यहाँ पर एक पेड़ दिखा है, यहाँ पर नींबू है, नीचे एक दिखाई दे रहा है नींबू। ये देखिए नींबू, ये देखिए ये ख़राब है, हट खराब है, छत बहुत ही ख़राब है नींबू। ऊपर जाएंगे ऊपर, अब ऊपर।
अब यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, ये दिखे एक बोटानिकल प्लांट दिखाया है मुझे कुछ, इसे शायद धतूरा कहते हैं। जी हाँ गाइस, इसे मैं जानता हूँ, इसे धतूरा कहते हैं। और यहाँ पर भी देखिए लेमन ग्रास है, यहाँ पर लेमन ग्रास कहते हैं इसे। मतलब सारे यहाँ पर बोटानिकल, मतलब आपको बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर प्लांट दिखेंगे, दवाई जो बनाने के लिए यूज़ होता है ये सब भी दिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी, मतलब चारों तरफ आप लोग पेड़ की जानकारी मिलेगी आपको प्लांट के बारे में। और वहाँ देख सकते हैं, ये देखिए मतलब चारों तरफ। तो इधर इधर है देखिए, मेडिसिनल गार्डन लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं मेडिसिनल गार्डन लिखा है यहाँ पर। और सामने मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, बैठने की जगह भी है यहाँ पर। तो अभी दौड़ लगाऊंगा, तो अभी देख सकते गाइस यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं गाइस, एक मतलब एक सुअर दिखा रहे थे जंगली। तो देख सकते हैं, मतलब इसके बारे में जानकारी है यहाँ पर। और ये लेपर्ड शायद वाइल्ड कैट भी हो सकता है, जंगली बिल्ली भी हो सकता है, पता नहीं। और सामने दिखाई दे रहा है पूछ लंबा वाला एक जानवर, एक क्या है पता नहीं, बट सर्च करूँगा तो भी मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं अभी छोड़ दे। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ मिला है, देखिए यहाँ पर डोडो है, डोडो, डोडो के बारे में मतलब विशेष जानकारी यहाँ पर दी, क्योंकि डोडो विलुप्त हो चुका है पृथ्वी पे, नहीं है ये जहाँ, मतलब ये पक्षी एक बर्ड है तो नहीं है। ओ ओ देख भैया, व्यू पॉइंट, यही पर है व्यू पॉइंट बरमूडा का सबसे बड़ा। देखिए प्याज का पंचनामा हो चुका है यार, बरमूडा व्यू पॉइंट, त्रिपुरा का सबसे बड़ा जो व्यू पॉइंट यही है गाइस। तो मैं अभी राज भाई और प्रीतम भाई के साथ यहाँ से उतरने वाला हूँ गाइस।